हेलो नमस्कार दगड़ियों, वेलकम बैक टू मनी व्लॉग 1-2 यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका देव भूमि उत्तराखंड की हसीन वादियों में। आज का ब्लॉग तुम्हारे भाई ने स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है आज। थोड़ा मैं ना हल्का हल्का इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे गले में हो रहा है दर्द। कल रात को मकड़ी ने यहाँ पे सुसु कर दिया और बहुत ही दिक्कत हो रही है, और आप देख रहे होंगे दाग किस तरीके से फैल चुका है, बहुत भयानक हो रहा है। तो मैं जा रहा हूँ अभी, वहाँ ऊपर देख रहे होंगे आप घर, वहाँ चाची के घर में जा रहा हूँ और वहाँ खेतों से ला रहा हूँ ओगल, उसको पीस करके लगाऊंगा। वैसे कहा जाता है कि जब मकड़ी इस प्रकार से ये दाग बना देती है तो उसके बाद तो मंतर ही होता है। तो पहले तो मैं ओगल लगा के देखता हूँ, अगर कुछ फर्क पड़ता है तो चलिए पहले ओगल लेने चलते हैं। और अभी यात्री सीट में आ रखा है भाई, तो उसको मिलता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं आ रखा हूँ यात्री सीट में भाई से मिलने के लिए। भाई नौकरी से आ रखे हैं, अभी लैंसडाउन में करते हैं जॉब, गेस्ट हाउस में, और भाई घर आ रखे हैं और भाई ला रखे हैं साथ में स्प्रे, क्योंकि घर में मच्छर भी हो रखे हैं और कॉकरोच भी हो रखे हैं, तो अपने साथ में सेफ्टी ला रखे हैं, क्योंकि मच्छर खाते हैं फिर आदमी मोटा हो जाता है, तो उसका जुगाड़ पहले कर रखा है भाई ने। तो पहले तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी मकड़ी है उसको मार के देखते हैं इस स्प्रे से उस पर कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये छोटी सी मकड़ी है, इसके ऊपर स्प्रे करके देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों रिजल्ट आ चुका है और मकड़ी हो गई यहाँ पे ढेर। तो अब जा रहे हैं हम घर, और भाई भी अपने घर जा रहा है और मैं जा रहा हूँ ऊपर ओगल लेने के लिए। तो फाइनली दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ ओगल, और इसको पीस के लगाऊंगा और देखता हूँ इससे कुछ फर्क पड़ता है। अगर इससे फर्क पड़ जाता तो ठीक है, वरना फिर उसके बाद घी को मंत्रा के लगाना पड़ेगा, और देखता हूँ कितने दिन में ठीक होता है। जलन तो बहुत भयानक हो रही है और बोलने में भी दिक्कत आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। तो इसको हमने पीस दिया है, उसके बाद लगाता हूँ इसको जहां पे घाव हो रखा है। तो भाई लोगों ओगल का लेप लगा लिया है मैंने पीस करके, और जलन हो रही थी तो अभी थोड़ी बहुत तो ठंडक पड़ी हुई है। अभी देखता हूँ कितना टाइम लगता है ठीक होने में, तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैं आ रखा हूँ यहाँ यात्री सेट में, और साथ में सूरज भाई, ये जा रहे हैं नीचे दौड़ मारने के लिए। तीन चार लड़के और आ रहे हैं अभी ऊपर से, शाम के बज चुके हैं 4:30 और बारिश पड़ रही है, तो इस कारण से अभी लड़के आए नहीं, क्योंकि बाहर थोड़ी बहुत बारिश पड़ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख रहे होंगे दोस्तों रोड पूरी गीली हो चुकी है, और आप देख रहे होंगे बारिश पड़ रही है, अभी थोड़ी बहुत बारिश है, बारिश अभी ज्यादा पड़ सकती है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो रखी है, और दो भाई आ रखे थे कोटद्वार की तरफ से, उन्होंने कहा, मुझे पूछा कि कारीगर साहब कहाँ रहते हैं, तो मेरे चाचा है जो बाइक वाइक ठीक करते, तो अभी हमारे घर जा रखे नीचे तो उनको बुलाने के लिए। और भाई लोग आ रखे स्कूल से, तो आप देख रहे होंगे ये जो भाई पीछे दिखाई दे रहा है ना आपको, आज इसका हो गया पोपट। तो आज भाई ने पिटाई खा ली, आज भाई काम करके नहीं जा रखा था स्कूल में, तो सर लोगों ने इसको पीट दिया है, और बहुत ही अच्छा किया मेरे हिसाब से तो, क्योंकि काम करके नहीं जा रखा था। तो भाई से पूछता हूँ कि किस चीज में मार खाई, तो मार क्यों खाई? सर रेस में खाया मैंने, मैंने काम नहीं किया था ना। अच्छा तो मार खाई। तो काम क्यों नहीं किया फिर? मन नहीं करता। अच्छा मन नहीं करता, नहीं। अच्छा अच्छा, तो आगे क्या बनने, आगे क्या बनने का विचार है? मेरे विचार तो है पुलिस बनना। अच्छा पुलिस, तो पुलिस के लिए तो फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, बनेगा ना। तो ये भाई है, और भाई नाम क्या है? आयुष काला। आयुष काला, तो भाई का नाम है आयुष काला, और भाई ने आज काम नहीं किया स्कूल में, तो इसलिए थोड़ी बहुत पिटाई खा ली। कोई बात नहीं, पिटाई भी खानी चाहिए, क्योंकि सर हमारे गुरुजी हैं तो उनका कहना भी मानना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, भाई का आज पोपट हो गया है, तो अगली बार से ध्यान रखेगा भाई की, स्कूल में काम करके जाना है। और देख रहे होंगे आप इधर भी दो भाई बैठे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ नीचे घूमते घूमते, और आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे को सपोर्ट करते हैं, और इसी के चलते मेरे 450 से ज्यादा की यूट्यूब सब्सक्राइब फैमिली हो चुकी है, और आगे भी आशा करता हूँ कि आप जल्दी से मेरे 500 सब्सक्राइब पूरे करवा दोगे। तो दोस्तों अगर मेरे से कहीं पे भी ब्लॉग में कोई कमी होती है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि यहाँ पे कमी छूट गई, ताकि आने वाले ब्लॉग में मैं वो कमियाँ ना निकालूं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए आ रखे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ इससे भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।